घर से सब। आई होप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की। तो जो भी पेपर कैंसिल हुए थे उनको लेके, पेपर जनवरी में हुआ था बट यहाँ पर फिर से जो पेपर है लीक हो गया था उसके कारण। तो यहाँ पर जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करके रखें, जिससे कभी भी वीडियोस अपलोड हों आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है बट नोटिफिकेशन है। यहाँ पर रिसेंट में बहुत सारे लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे बट बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे, उसको क्लियर करने के लिए वीडियो मैंने बनाया है। तो जिन भी लोगों ने MPPEB का पेपर दिया था, स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, फार्मासिस्ट, तो ग्रुप के की जो पेपर्स थे उनके पेपर फिर से होने थे। ये चीज़ सभी को पता है बट सबका ये डाउट है कि क्या जो लोग पहले से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं वो दोबारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओनली जिन लोगों ने पहले फॉर्म फिलअप किए थे वही लोग यहाँ पर पेपर दे सकते हैं। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं लिखा है, उपरोक्त परीक्षाओं में सभी पूर्व आवेदित अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। दैट मीन्स जिन्होंने पहले पेपर दिया है, पहले फॉर्म फिलअप किया है, ओनली वही लोग हैं जो पेपर देने जा सकते हैं। पुनः परीक्षाओं के प्रवेश पत्र समय अनुसार PEB वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। तो जो दोबारा से री एग्ज़ाम होना है आपका, उसके एडमिट कार्ड अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुए हैं बट एज सून एज पॉसिबल जो MPPEB की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे। सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि पेपर ओनली जो जनवरी में पेपर हुआ था तो उसमें लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और अदर पेपर हुए थे ग्रुप 5 के, तो बट यहाँ पर जो री एग्ज़ाम होना है ओनली ग्रुप के जो पेपर कोड के था, दैट मीन्स जो नर्सिंग स्टाफ वालों का था, स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए था, उसका बस पेपर होना है। डेट 23 और 24 दिसंबर, 2 दिन एग्ज़ाम होना है। जैसा अभी रिसेंट में भी 2 दिन ही हुआ था तो इस बार भी 2 दिन एग्ज़ाम होने वाला है आपका, 23 एंड 24 दिसंबर को। बाकी सभी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेम रहेंगी। तो ये नोटिफिकेशन आप कहाँ से रीड आउट कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये रही यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको जाके यहाँ से है जो क्या करना होगा, इस नोटिफिकेशन को चेक करना है और आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि पेपर किस टाइप का अगर आएगा, सिलेबस क्या होगा, तो उन सभी चीज़ों के लिए मैं आपके लिए बता दूँ कि जो भी लोग पेपर दे चुके हैं उन्होंने सिलेबस चेक किया हुआ है बट यदि जिन लोगों ने उस टाइम पे अप्लाई किया था बट इनकेस आप पेपर देने नहीं जा पाए थे तो वो लोग यहाँ पे ज़रूर पेपर देने जा सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड भी आपको डाउनलोड हो जाएगा जैसे ही वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। ये चीज़ याद रखें आप, जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था बट किसी भी वैलिड रीज़न से आप एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए तो आप इस बार उस एग्ज़ाम को देने ज़रूर जाएँ। एंड अब बात आती है कि आपका सिलेबस क्या होगा, तो वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। और टाइम टू टाइम आप इस चैनल को या फिर इस वेबसाइट को भी चेक करते रहें कि आपका एडमिट कार्ड तो नहीं आ गया है। तो अभी तो एडमिट कार्ड नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आई होप आपके लिए नोटिफिकेशन हेल्पफुल रहा हो। और जो भी लोग प्रीवियस ईयर पेपर परचेस करना चाहते हैं तो वो पेपर परचेस कर सकते हैं आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। उसमें आपके लिए 15 सीरीज़ रहेंगी एंड देन जो अभी रिसेंट में पेपर हुए MP ग्रुप 5 के वो रहेंगे, साथ ही साथ GNC के पेपर, MPCHO, स्टाफ नर्स, अलग अलग स्टेट के सभी मिला के आपको इस तरीके से पेपर मिल जाएंगे। तो आप या तो InstaMojo की लिंक्स के थ्रू उन पेपर को ले सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।